गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो जी, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक कर लिया था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया और दो तीन बच्चों का तो होमवर्क आ गया है, बाकी बच्चों का होमवर्क नहीं। देखिए, अब हम कुछ फर्दर क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे इसी टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर 29-30 बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी बुक में गिवन है, पेज नंबर इज 7.162। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है। बस इसमें फर्क ये है, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है दैट इज नॉट ए डायरेक्ट लैंग्वेज। तो जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इन 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। हमें ऑथोराइज कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन है जी, यहां से लेके यहां तक पहली लाइन में। आप अच्छे से जानते हैं कि ऑथोराइज कैपिटल का हमें कुछ करना नहीं होता है। आगे हमें बताया गया है कि कंपनी ने ऑफर किए 5,000 ऑफ दी शेयर्स टू पब्लिक विच वर पेबल 25 पर शेयर एप्लीकेशन, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस 3 मंथ्स लेटर। देखिए, ऐसा है, हमारे जो शेयर्स है उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज और हमने शेयर्स इशू किए 5,000 पब्लिक के लिए, जिसपे हमें पैसा 25 रुपए एप्लीकेशन पे मिलेगा, 50 रुपए हमें अलॉटमेंट पे मिलेगा और बैलेंस, बैलेंस का मतलब है बाकी का बचा हुआ पैसा विच विल बी 25, क्योंकि 100 रुपीज अगर हम टोटल मंगा रहे हैं, 25 और 50, 75 रुपीज तो हमने मंगा लिया अलॉटमेंट तक और बैलेंस 3 मंथ्स लेटर। इसका मतलब 25 रुपए की इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल है, ठीक है। अब एप्लीकेशन मिलती है जी 7,100 शेयर्स की, ऑन विच डायरेक्टर्स अलॉटेड एज फॉलोज। अगर एप्लीकेशन 7,100 शेयर्स की आ गई, इशू किए 5,000 और एप्लीकेशन आ गई 7,100 शेयर्स, तो देखिए ये डायरेक्टली साफ साफ पता चल रहा है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ऑफ कोर्स हमें इसमें टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए, 4 फीचर के साथ ओवर सब्सक्रिप्शन भी इस क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर्स वर अलॉटेड फुल। हमने इस तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट किया, 4,000 के बदले में फुल, यानी कि 4,000, 3,000 के बदले में 1,000 और 100 शेयर्स के बदले में निल। आप अगर इसका टोटल करें, 4, 3 और 100, 7,100 एप्लीकेशन हो गई जो कि हमारे अप्लाइड शेयर के इक्वल है, और अलॉटेड शेयर्स हो गए 4,000 यहां फुल और 1,000 ये 5,000। तो इसका मतलब 4,000 और 1,000, 5,000 हमने अलॉट किए जो कि हमारे इशू शेयर्स के इक्वल है। बस जी, इससे हमें और कुछ नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाना है। यहां तक तो सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई है। इसके बाद ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये यहां से लेके यहां तक ये स्टेटमेंट है जी, जो थोड़ी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। देखिए जरा क्या बता रहे हैं, कहते 1,85,000 वाज रिलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी।
एक्सक्लूडिंग अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। कहते हैं जी जो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते हैं ना एंट्री, उसमें 1,85,000 हमें रियलाइज हुए। और वो एक और बात ब्रैकेट में बोल रहा है कि ये 1,85,000 असल में इसमें एप्लीकेशन वाला एडवांस पहले से ही एडजस्टेड है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि हमें इसमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव हुआ है ना वो बता दिया गया, ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स का पैसा है, कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया है। समझ रहे हैं आप, इस तरह की इंफॉर्मेशन हाइड कर दी गई है। और कहते हैं जी 1,15,000 रुपए हमें कॉल पे मिल गए। ओके, कॉल मतलब जो हमारी 25 रुपए की फर्स्ट कॉल है। आगे बताता है कि डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि फोरफीट कर देंगे उन शेयर्स को जिस पे अलॉटमेंट मनी ओवरड्यू है। ओवरड्यू का मतलब होता है बेटे जी पैसा नहीं आया, मतलब सिर्फ वही शेयर्स फोरफीट कर रहे हैं जिस पे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। शो द एंट्रीज इन कंपनीज बुक। अब देखिए जी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन इन्होंने डिजाइन किया है। यहां इन्होंने ये नहीं बताया कि किन शेयर्स पे पैसा नहीं आया है, ये बता रहे हैं जी कुछ शेयर्स पे पैसा तो नहीं आया और उन्हें हम फोरफीट कर रहे हैं। तो हमें पहले तो इसमें ये ढूंढना पड़ेगा कि किन शेयर्स पे पैसा नहीं आया, फिर उनका फोरफीचर भी करना पड़ेगा। सारी चीजें हो जाएंगी बस जिस तरह से अभी आपको बताया जाए वैसे देखते हुए चलिएगा। आप कभी भी इस तरह की एक अननोन कुछ भी इंफॉर्मेशन देखें जो आपने पहले कभी ना देखी हो तो उससे नर्वस मत होइएगा, क्योंकि देखिए होता यह है कि हम इस इंफॉर्मेशन को देखते ही नर्वस हो जाते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं डिफिकल्ट। आपको जितना आता है इस क्वेश्चन में उतना स्टार्ट करिए, बाकी सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी। जैसे कि ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें यह पता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम है ओवर सब्सक्रिप्शन का टेबल बनाना। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है 1, 2 और 3 तीन कैटेगरीज में अलॉटमेंट हो रही है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन बनाइए और तीन कैटेगरी रखिए, इस तरीके से शुरुआत कर दीजिए। देखिए जरा ये है ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। देखो जी अब जरा ध्यान से, सबसे पहला कॉलम हम कैटेगरी का बनाएंगे, वही 7 कॉलम वाला टेबल है। दूसरा शेयर अप्लाइड, तीसरा होगा हमारा शेयर्स अलॉटेड, फिर एक्सेस शेयर्स, फिर एक्सेस मनी और फिर एक्सेस मनी एडजस्टमेंट और लास्ट कॉलम विल बी ऑफ बैंक। ये हमारे इसके अंदर 7 कॉलम बन गए, ठीक है। अब इसमें हम तीन कैटेगरी रखने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरी। ये तीन कैटेगरी हम रखेंगे, हाँ जी बेटे देखिए, तो तीन कैटेगरी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैटेगरी। अब देखिएगा इसमें किस तरीके से हमने एडजस्ट किया। 4,000 एप्लीकेशंस के बदले में हमने 4,000 शेयर्स दिए, 3,000 एप्लीकेशंस के बदले में हमने 1,000 शेयर्स दिए और 100 एप्लीकेशंस के बदले में हमने 0 अलॉटमेंट करिए, ठीक है। तो ये 7,100 हो गया, ये 5,000 हो गया। अब देखते हैं एक्सेस शेयर, पहली कैटेगरी में 4,000 के बदले में 4,000 है तो यहाँ कोई एक्सेस शेयर्स होंगे नहीं। फिर है जी 3,000 के बदले में 1,000 तो यहाँ एक्सेस शेयर्स होंगे हमारे 2,000। फिर इस वाली कैटेगरी में 100 शेयर्स के बदले में निल है तो यहाँ 100 होंगे हमारे एक्सेस शेयर्स। अब आप एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करिए इन एक्सेस शेयर्स को। एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो हमें बताया हुआ था 25 रुपीज, यानी कि 25 रुपए से मल्टीप्लाई करना है जितने भी हमारे एक्सेस शेयर्स हुए उनको। 2,000 को 25 से मल्टीप्लाई करिए तो 50,000 का एक्सेस मनी,
100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 का एक्सेस मनी टोटल हो गया 52,500। अब देखिए पहले इस 50,000 को एडजस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में देखिए जरा क्या कोई अलॉटमेंट हुई है। जवाब है हाँ हुई है, अलॉटमेंट 1000 शेयर्स की हुई है। तो हमें इन 50,000 को रिफंड नहीं करना है, अगली इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस रखना होता है। और कितना एडवांस रख सकते हैं आप जरा 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करिए, 50,000 तक एडवांस आ सकता है। और एडवांस है भी कितना, 50,000, और इसकी लिमिट भी 50,000, तो पूरा 50,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉल पे, और सेकंड कॉल पे कुछ भी नहीं जाने वाला है। आगे ये जो 2500 है, अब इस कैटेगरी में आइए और देखिए कोई अलॉटमेंट हुई है। जवाब है नहीं, निल अलॉटमेंट है जी। अगर निल अलॉटमेंट है तो ये जो 2500 का एक्सेस मनी है ये डायरेक्टली चला जाएगा बैंक। ओके, ये चला गया जी बैंक में। तो अलॉटमेंट का एडवांस आया हमारे पास 50,000 और बैंक में हमारे कितने आए जी 2500। ओके, ये हो गया जी हमारा टेबल। इसका मतलब ये है कि एक्सेस मनी 52,500 है, जिसमें से 50,000 अलॉटमेंट का एडवांस है और 2500 हमने रिफंड कर दिया है। This is final result of our table. अब एंट्रीज करिए जितनी आपको आती है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास एप्लीकेशन आई थी 7,100 शेयर्स की, इस पे 25 रुपए के हिसाब से 1,77,500 हमें रिसीव हो गए। अब ये जो 1,77,500 है अगली एंट्री में ट्रांसफर होंगे, एप्लीकेशन पे डेबिट करेंगे 177,500। ये जितने से क्रेडिट होती है एप्लीकेशन उतने से ही डेबिट। नेक्स्ट, इसके बाद पैसा हमें ट्रांसफर करना होता है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में अब कितना पैसा ट्रांसफर होगा, 5,000 हमारे पास शेयर्स है इनटू में 25 रुपए, क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा हम कितने शेयर्स इशू कर सकते हैं 5,000। तो शेयर कैपिटल भी बेटे जी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो पाएगी, 5,000 शेयर्स की। तो 5,000 इंटू में 25 करेंगे तो 1,25,000 यहां। 177,500 में से अगर 1,25,000 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 52,500 रुपीज एक्सेस मनी बचता है, और यही हमारे टेबल ने बताया था। इस एक्सेस मनी का हमने एडजस्टमेंट कैसे किया, अलॉटमेंट पे 50 और 2500 बैंक, तो टू शेयर अलॉटमेंट 50,000 और टू बैंक अकाउंट आएगा 2500। लो जी ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आ जाइए अलॉटमेंट की एंट्री पे। अलॉटमेंट पे हमें चिट्ठी डालनी है, तो कितने शेयर्स की चिट्ठी डालनी चाहिए, 5,000 शेयर्स की, क्योंकि हमने इशू तो 5,000 ही किया। तो 50 रुपए के हिसाब से चिट्ठी डालने की एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,50,000। अब देखिए कितने अमाउंट हमें इस पे रिसीव हुआ है डायरेक्टली ये बता दिया गया, कितना नहीं हुआ ये नहीं बताया गया। तो देखो हम एक बार ये वाली एंट्री तो कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और जितना अमाउंट क्वेश्चन ने कहा है कि इतना रिसीव हो गया अलॉटमेंट पे, तो ये हमने लिख दिया 185। अब जरा देखिएगा ध्यान से कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये बताओ बेटे 2,50,000 हमने मंगवाए, इसमें से बताइए एडवांस कितना आ गया था। ये एडवांस था जी 50,000 रुपए, 2,50,000 में से 50,000 रुपए एडवांस आ गया। तो इसका मतलब ये कि अब 2,00,000 रुपए हमें रिसीव होने चाहिए थे, लेकिन हमें रिसीव जानते हैं सिर्फ कितने हुए, 1,85,000। समझ रहे हैं आप बात। और ये 1,85,000 अगर हमें रिसीव हुए तो ये हमें रिसीव हुए होंगे 50 रुपए के अलॉटमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये कितने शेयर्स का पैसा है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया। समझ रहे हैं बात, इसमें कैलकुलेशन हमें थोड़ी उल्टी करनी है, हमें ये पता लगाना है कि कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया। ये कैलकुलेशन मैंने यहां भी करके दिखाई है, जरा ध्यान से देखिए भाई। देखो 2,50,000 पे 50,000 पहले ही आ गए थे एडवांस, तो अब हमें मिलने चाहिए थे 2,00,000, लेकिन हमें मिले कितने, 1,85,000।
तो कितने नहीं मिले? 15,000 रुपए नहीं मिले। और ये कितने रुपए के हिसाब से नहीं मिले? 50। तो इसका मतलब बेटे 15,000 अगर मुझे 50 रुपए के हिसाब से नहीं मिल रहे तो जानते कितने शेयर्स के पैसे नहीं मिले। 15,000 को आप डायरेक्टली 50 से डिवाइड कर दीजिए तो इसका मतलब 300 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिल पाया। हमने ये कैलकुलेशन कैसे करी? भाई 2.5 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, 50,000 पहले मिल गए, 2 लाख मिलने चाहिए, 1,85,000 मिल रहे हैं, इट मीन्स 15,000 हमें नहीं मिल रहे। तो 15,000 हमें 50 रुपए के हिसाब से मंगवाए थे वो मिले नहीं, तो इसका मतलब ये कितने शेयर्स पे नहीं मिले? 300 पे। तो जानते हैं कितने शेयर्स का हमें यहां पैसा मिला? 4700। 4700 शेयर्स का हमें पैसा यहां पे मिला 50 रुपए के हिसाब से, और उसमें से 50,000 का एडवांस माइनस हो गया। आप भले इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 4700 इंटू में 50 करिए और माइनस 50 करिएगा, ये 185 ही आएगा। तो बेटर ये है कि हम क्या करें, हम पहले ये पता लगा लीजिए कितना अमाउंट नहीं आया, उसको अलॉटमेंट मनी से डिवाइड कर दे तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 300 शेयर्स का। डन हो गई ये बात। आगे देखिए, बताइए जी, ये आप दोनों को समझ में आ गए? यस सर। ओके, तो चलिए अब देखिए, अब फर्स्ट कॉल की इंस्टॉलमेंट को कॉल करेंगे। 25 रुपए के हिसाब से मंगवाएंगे, कितने शेयर्स पे? 5,000। तो 1,25,000 रुपए हमें चिट्ठी डालनी है शेयर फर्स्ट कॉल की, और यही फाइनल कॉल है, एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1,25,000। अब इसने हमें यह बता दिया कि 1,15,000 रुपए हमें कॉल पे मिले हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है, 1,15,000 रुपए हमें कॉल के मिले। तो बस जी यहाँ पे आप डायरेक्टली कर दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,15,000। अब आप मुझे बताइए जरा, 1,25 में से 1,15 हमें मिले तो 10,000 हमें नहीं मिले, और 10,000 हमें जानते कितने रुपए के हिसाब से नहीं मिले? 25 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा जी कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया, 400 शेयर्स का पैसा। जी 400 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला। तो बेटे जी जानते हैं कितने शेयर्स का पैसा यहां मिला? 4,600 इंटू में 25, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1,15,000 ही बन रहा है। अब एक बात और समझिएगा, देखिए 300 शेयर्स का पैसा तो अलॉटमेंट पे नहीं आया, 400 शेयर्स का पैसा फर्स्ट कॉल पे नहीं आया। असल में जो 300 शेयर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहे थे उन्होंने हमें फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, प्लस 100 शेयर्स पे और हमें सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिल पाया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो इसका मतलब ये है कि जो डिफॉल्टर यहां का था अलॉटमेंट का 300 शेयर वाला, वो डिफॉल्टर यहां पे भी है, इसमें तो 100 शेयर्स और ज्यादा जुड़ गए। और क्वेश्चन ने हमें ये कहा है कि उन शेयर्स को फोरफीट कर दीजिएगा, डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि उन शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाएगा जिस पे अलॉटमेंट का पैसा ओवरड्यू है। ओवरड्यू का मतलब होता है पैसा नहीं मिला। तो देखिए अलॉटमेंट का पैसा तो हमें जानते कितने शेयर्स पे नहीं मिला है? 300 शेयर्स पे, और उन 300 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं, हालांकि फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स और भी थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, लेकिन हमें उन 100 शेयर्स का फोर फीचर नहीं करना है, हमें तो फोर फीचर करना है सिर्फ और सिर्फ उन 300 शेयर्स का। तो लीजिए उसका फोर फीचर कर देते हैं। फोर फीचर करते वक्त आप अच्छे से जानते हैं जी, जो सबसे पहली एंट्री होती है शेयर, सबसे पहला अकाउंट जो डेबिट होता है वो होता है जी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, और 300 शेयर्स पे करेंगे, जितना पैसा हमने मंगवा लिया है कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पूरा पैसा कॉल करा था 300 पे,
हमने फर्स्ट कॉल की मंगवाई थी। इसकी लैंग्वेज जरा समझने की कोशिश करिएगा। बच्चे ये सोचते हैं कि हमें अलॉटमेंट के बाद फोरफीट करना है, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि साहब उन शेयर्स को फोरफीट करिए जिस पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, और उन शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का भी नहीं आया, तो हम बस डायरेक्टली क्या करेंगे, फिर शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे 300 into 100, और जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा 300 पे नहीं आया, एक तो अलॉटमेंट का नहीं आया 300 into 50 के हिसाब से 15,000, और इन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया 300 into 25 7500। इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पैसा दिया था, वो है एप्लीकेशन। तो 300 into 25 करेंगे, 2 share 4 feature आएगा और यहाँ आ जाएगा 7,500 रुपए। इस तरीके से ये करना था क्वेश्चन। इसमें री इशू की कोई भी बात नहीं है, तो आगे री इशू का कोई भी पार्ट हमने नहीं किया। देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर बस ध्यान से समझे तो इन्होंने हमें ये बता दिया कि अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा आया, और होता क्या था, पहले हम ये सारी चीजें कैलकुलेट किया करते थे कि अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है, फर्स्ट कॉल पे कितना आ रहा है। अब यहाँ पे हमें इसने डायरेक्टली बता दिया कि कितना आ रहा है, और वो पार्ट नहीं बताया जो ये पहले क्वेश्चन में देता था कि जी इतने शेयर्स का नहीं आया। तो मतलब इसने कैलकुलेशन बस आपसे उल्टी करवाई है, रिवर्स में कैलकुलेशन हुई है, इसमें और कुछ भी नहीं हुआ, बस इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। क्या आपको ये बात समझ में आई है, बताइए जी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? सर जी ऐसा हो सकता है कि किसी ने फर्स्ट कॉल का मनी नहीं पे करा लेकिन उसने सेकंड कॉल का कर दिया? इट इज नॉट पॉसिबल। आप मुझे ये बताइए, आपके स्कूल की फीस क्वार्टरली जाती है, अप्रैल मई जून, आप इस क्वार्टर की फीस पे ना करें और आप जाके अकाउंट्स ऑफिस में खड़े हो जाएं कि साहब पिछला क्वार्टर मत लीजिए, इस क्वार्टर की फीस ले लीजिए, तो वो आपसे क्या कहेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। पहले आपने आप प्रीवियस ड्यू क्लियर करिए, तभी तो हम आपसे अगली कॉल ले पाएंगे, ठीक है? तो देखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, और ना आप ऐसी कोई सिचुएशन क्वेश्चन में भी देखेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। यस तनिष, आप बताइए 29th क्वेश्चन में एनी प्रॉब्लम? ओके चलिए जी, अब इसी तरह से एक डिफरेंट लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो भी करते हैं। इसके भी आपके पास नोट्स आ चुके हैं। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज इसके अंदर घुमाई हुई है। देखिएगा, देखिए कई बार क्या होता है, ये लैंग्वेज जब बच्चे को है ना सिंपल चीजें आ जाती है, तो ये अब बच्चे को दिक्कत कहां दे, तो ये शैतानियां करने लगते हैं अंग्रेजी में, बच्चे को अंग्रेजी के थ्रू फंसाने की कोशिश की जाती है, बस और कुछ भी नहीं है जी, कंसेप्ट वही है। देखिएगा, W लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए, फेस वैल्यू है 100 रुपए, ड्यूरिंग द ईयर ओनली ₹80 वर कॉल्ड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, कहते हैं जी हमने पहले साल है ना सिर्फ ₹80 ही मंगवाए, ₹20 हमने मंगवाने ही नहीं थे, पहले ही प्लान कर लिया। तो बेटे आप इसे इस तरीके से लीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन ₹80 से ही हो, क्योंकि आपको एक साल की ही एंट्री करनी है और उसके इंस्टॉलमेंट ऐसे बनाए गए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आप पाएंगे इन सबका टोटल भी सिर्फ ₹80 ही बन रहा है। ओके, फिर इसके बाद हमें अमाउंट इस तरीके से मिला। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वो ये नहीं बता रहा कि अमाउंट क्या क्या नहीं मिला, वो ये बता रहा है जी हमें इस तरीके से मिला। देखिए कैसे मिला। कहते जी ओन 8,000 शेयर्स फुल अमाउंट कॉल्ड, कहते जी 8,000 शेयर्स में, 10 में से 8,000 शेयर पे तो हमें पूरा पैसा मिल गया जितना हमने कॉल करा, और हमने कॉल ₹80 कर रखे, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है जी, 8,000 शेयर मतलब बिल्कुल पाक दामन साफ है, पूरा पैसा मिला। फिर कहता है 1200 पे लेकिन हमें सिर्फ 65 पर शेयर मिले। अच्छा अब एक बात बताइए, जब ये कहता है 65 पर शेयर मिले, तो जानते हैं
80 में से 65 मिले। तो बेटे देखो, पहले वाली इंस्टॉलमेंट पहले मिलती है और आखिरी वाली इंस्टॉलमेंट आखिरी में मिलती है, तो असल में इस पे 25, 20 और 20 ये वाले 65 मिले, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल इस पे हमें मिल गई। 1200 शेयर पे हमें एक इंस्टॉलमेंट नहीं मिली, विच इज सेकंड कॉल। ये आप साथ साथ अपनी बुक पे लिख लीजिएगा कि 1200 शेयर पे हमें सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला। अब देखते हैं अगली लाइन में क्या कहता है। कहते जी 500 शेयर पे हमें सिर्फ 45 रुपए मिले, तो 45 कौन से, बाद वाली इंस्टॉलमेंट मिली होगी या पहले वाली? पहले वाली। तो बेटे 45 सिर्फ ये रुपए मिले, 25 और 20, यानी कि इस पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया। क्या नहीं मिला? एक फर्स्ट कॉल नहीं मिली और एक सेकंड कॉल नहीं मिली, ठीक है। फिर उसके बाद 300 शेयर्स पे हमें सिर्फ 25 रुपए मिले, तो 25 रुपए कौन से मिले होंगे? सिर्फ एप्लीकेशन के। इसका मतलब इस पे हमें जानते कौन कौन सा पैसा नहीं मिला, ना तो इस पे अलॉटमेंट मिली, ना इस पे फर्स्ट कॉल मिला, ना इस पे सेकंड कॉल मिला। अब जरा ध्यान से देखिए, सेकंड कॉल पे जानते किस किस का डिफॉल्ट है। 1200 का भी सेकंड कॉल पे डिफॉल्ट है, 500 का भी है और 300 का भी है। इसका मतलब सेकंड कॉल पे तो पूरे 2000 के नहीं मिले। सेकंड कॉल पे हमें कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है जी? 2000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे 1200 का तो मिल गया। फर्स्ट कॉल क्या यहाँ पे है? 500 का नहीं मिला। फर्स्ट कॉल क्या यहाँ पे है? 300 का नहीं मिला। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे जो पैसे नहीं मिले वो 800 शेयर्स के नहीं मिले। और अलॉटमेंट के पैसे आप जरा देखिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया, तो अलॉटमेंट का डिफॉल्ट केवल 300 शेयर्स पे है। अलॉटमेंट पे इसका मतलब 300 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला और एप्लीकेशन पे कोई डिफॉल्ट है नहीं और इसमें होता भी नहीं है। समझ में आई बात? तो देखो बेटे, टोटल 2000 शेयर्स का डिफॉल्ट हुआ है। सेकंड कॉल पे तो हमें 2000 शेयर्स के पैसे नहीं मिले, फर्स्ट कॉल पे हमें 800 शेयर्स के नहीं मिले और अलॉटमेंट पे हमें कितने शेयर्स के नहीं मिले? 300 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। ये है जी सिचुएशन। अच्छा सॉरी, ये मैंने 2000 लिख दी, यहां पे 1200 आएगा। 1200 शेयर्स का पैसा नहीं मिला है सेकंड कॉल पे। नहीं सॉरी 2000 ही है, ठीक है जी, बिल्कुल। सेकंड कॉल पे ना ये वाले मिले, ना ये मिले, ना ये मिले, तो 2000 का सेकंड कॉल पे नहीं मिला, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें एंट्रीज करनी है। अब आगे कहते हैं जी, डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि वो फोरफीट करेंगे उन शेयर्स को जिसपे लेस देन 65 मिला है। अब देखिए, लेस देन 65 किस किस पे मिला है? 1200 पे 65 मिल गया, 65 से कम 500 पे और 300 पे मिले, यानी कि कुल मिला के 800 शेयर्स ऐसे हैं जिसपे हमें 65 रुपए से कम मिले, तो हमें फोरफीचर 800 शेयर्स का इसमें से करना होगा। अब क्वेश्चन कहते हैं जी, एंट्रीज करके दिखाइए जर्नल में और कैश बुक में और शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में। कैश बुक हम इसमें बनाएंगे नहीं, क्योंकि एक बार मैं आपको बता चुका हूं बैंक वाली एंट्री उसमें होती है। बस आप जर्नल एंट्रीज इसमें करेंगे, ना बैलेंस शीट हमें इसमें अभी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री तो आप सबको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। 10,000 शेयर थे, 25 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख मिले और यही शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल में हमने ट्रांसफर कर दिए 2.5 लाख। अगली इंस्टॉलमेंट हमने अलॉटमेंट की मंगाई है, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होगा 10,000 इंटू में 20 कर दीजिए, तो 2 लाख रुपए हमने मंगवाए। अच्छा, अब कितने शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला? हमने सामने लिख दिया था कि अलॉटमेंट पे हमें 300 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। तो बेटे अलॉटमेंट पे अगर 300 का पैसा नहीं मिला, तो 300 इंटू में 20 करेंगे, 6,000 रुपए नहीं मिले। 2 लाख में से अगर 6,000 नहीं मिले, तो 1,94,000 हमें मिले। ये किस तरीके से आया? हमने 2 लाख रुपए मंगवाए और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया?
300 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा हमें नहीं मिला है, और अलॉटमेंट का पैसा था जी 20 रुपए के हिसाब से, 300 इंटू में 20 करेंगे तो 6000 होता है। ये इस तरीके से हमें कर, ओके। अब आ जाइए फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। हम कॉल इसमें कितने करने वाले हैं, फर्स्ट कॉल पे 10000 पे 20 रुपए के हिसाब से ये आ जाएगा 2 लाख। क्या हमें यहां पे पूरा पैसा मिला? नहीं। फर्स्ट कॉल पे हमें पता है कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, ये भी हमने कैलकुलेट करके लिख लिया था 800 शेयर्स का। लेकिन अगर आपने ना लिखा हो मैं फिर भी बता दे, तो क्वेश्चन से कैसे देखना है बेटे? देखो यहां पे कम से कम ये तो लिख के चलना कि किस किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट बताओ कौन से पे है, 1200 पे है क्या? नहीं। 500 पे है, 300 पे है, तो इसका मतलब 800, ठीक है। 800 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, तो 800 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, 16000 रुपए हमें नहीं मिले, तो हमें कितने मिले होंगे, 2 लाख में से 16000 माइनस करिए, हमें मिल गए होंगे 1,84,000। ओके, अब सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगाइए, 10000 इंटू में 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,50,000। अब सेकंड कॉल पे कितने शेयर्स का पैसा नहीं आया? सेकंड कॉल का डिफॉल्ट 1200 पे भी है, 500 पे भी है, और ये देखिए 300 पे भी है। इसका मतलब 2000 शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला, 2000 इंटू में 15 कर दीजिए, 3000 रुपए, 30000 रुपए बनते हैं। 30000 रुपए अगर हमें नहीं मिले तो कितने रुपए मिले होंगे? 1,20,000 रुपए हमें मिल गए। अब क्वेश्चन ने हमें यह कहा था कि जिस पे 65 से कम मिला हो उन शेयर्स को फॉरफीट कर दीजिए। तो बेटे 65 से कम, अब देखो ये तो ये बताया हुआ है कि कितने कितने मिले, 65 1200 पे मिल गए, 500 पे हमें सिर्फ 45 मिले, 300 पे हमें सिर्फ 25 मिले, तो 65 से 65 से कम मिले 800 शेयर्स का हमें फॉरफीट करना है। और बड़ी सावधानी से देखते हुए चलिएगा कैसे देखिएगा, 800 शेयर्स का फॉरफीट करेंगे तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को तो डेबिट करना ही करना है, और 800 इंटू में जितने रुपए हमने अभी तक मंगवाए हमने इसमें सारे, कोई भी कॉल हमने नहीं छोड़ी है, तो 64,000 यहां आ गए। अच्छा, अब अलॉटमेंट पे बताइए कितना पैसा नहीं आया। अब देखिए इसमें अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल में डिफॉल्ट है, अलॉटमेंट पे जानते हैं कितने रुपए नहीं आए, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करने वाले सिर्फ ये थे 300 शेयर्स, तो 300 इंटू में अलॉटमेंट मनी 20 रुपए कर दीजिए, 6000 नहीं आए। फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कितने शेयर्स का हुआ इन 800 में से ही देखिएगा, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट 300 का भी हुआ है और 500 का भी हुआ है, तो 800 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो 800 इंटू में 20 कर दीजिए, 16000 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए। सेकंड कॉल के कितने नहीं आए भाई? सेकंड कॉल भी ना 500 पे आई ना 300 पे आई, हालांकि सेकंड कॉल तो हमें 1200 पे भी नहीं आई, लेकिन 1200 को हम फॉरफीट नहीं कर रहे हैं, हम तो फॉरफीचर कर रहे हैं जी सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स का, जो 65 से कम दे रहे हैं, यानी कि 800 शेयर्स का, तो 800 इंटू में सेकंड कॉल मनी 15, यानी कि 12000 रुपए ये नहीं आए। अब कितने रुपए आ गए? देखिए हमने 800 शेयर्स का फॉरफीचर किया, पहले तो देख लेते जी 500, 500 पे फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया था। देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं आया तो इसका मतलब इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 45 रुपए आ गए, तो 500 इंटू में 45 करेंगे, 22,500 ये आएंगे, और 300 पे हमें अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड तीनों नहीं मिले, तो इसमें मिला है जी सिर्फ क्या, एप्लीकेशन, तो 300 इंटू में 25 करिए, 7500 ये हो गए,
कुल मिला के हमें जानते कितने रुपए मिल गए, 30,000 रुपए। 500 और 300 की कैलकुलेशन देखिए हमें अलग अलग क्यों करनी पड़ी, क्योंकि उनपे अलग अलग इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आ रहा। इस तरीके से आपको ये काम करना है। बताइए कि आप सबको समझ में आया ये, बोलिए जी। यस सर। सलेश, एनी डाउट? यस आबा, प्लीज। सर, इस क्वेश्चन में टोटल जो अमाउंट है वो ₹100 है पर शेयर, तो मतलब अभी लास्ट कॉल नहीं हुई है ना, मतलब सेकंड कॉल फाइनल कॉल होगी। हाँ जी, देखिए इसमें क्या है, इस ईयर की हम अकाउंटिंग ईयर अकाउंट जो बनाते हैं वो एक ईयर के हिसाब से बनाते हैं, तो फॉर दिस ईयर सेकंड इज द फाइनल कॉल, इजंट इट? यस। वो तो फिर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में थर्ड कॉल आ जाएगी। ओके तनिष, कोई डाउट बताइए। तनिष, अरे बोलो भाई। नो सर। चलिए, ये दोनों क्वेश्चंस देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करके चले जाए तो सिंपल क्वेश्चंस हमें बड़े आसान लगते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस तो मैंने कराए, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसमें इलस्ट्रेशन 29 और 30 को होमवर्क रखा है। तो आपको ये वाला होमवर्क इसमें करना है, ठीक है जी? आप ये कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इतना कर लीजिए, ओके? यस सर। अच्छा, एक और सुनिएगा, एक आपसे ना क्वेश्चन नंबर 30 भी हो जाएगा, विच इज एग्जैक्टली, सॉरी 40 हो जाएगा, विच इज एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये है जी क्वेश्चन नंबर 40, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हमने देखा 30। मैंने इस पर लिखा भी हुआ है लाइक क्वेश्चन 30। तो ये तीन क्वेश्चन है होमवर्क में, ये कर लीजिएगा, आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। बस आज की क्लास अभी हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स एंड बाय। थैंक यू सर।